गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर एसपी यातायात के नेतृत्व में टीआई मनोज कुमार राय, अजीत कुमार पांडे व अन्य यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें गोलघर चौराहे से कचहरी चौराहा, घोष कंपनी, रेती चौराहा होते हुए लालदिगी चौराहा तक पैदल गश्त किया गया। नो पार्किंग में खड़े 204 वाहनों का चालान किया गया। क्रेन से 2 वाहनों को टोचन कर यातायात यार्ड में पहुंचाया गया। लाउड हेलर के माध्यम से बताया गया कि अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल में ही खड़ा करें। चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1065 वाहनों का एमवी एक्ट की विभिन्न धाराओं में चालान करते हुए 77,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया, पुराने शहर में शिकायत रहती है यातायात के कंजेशन की, और इसको हल करने के लिए, इस सुविधा दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, और कल पूरी ट्रैफिक की टीम ने उधर अभियान चलाया था, मैं भी गया था साथ में, और इस रोड पे जितने भी वाहन गलत तरीके से पार्क थे जिनकी वजह से ट्रैफिक को यातायात में असुविधा पैदा हो रही थी, उनका सबका चालान किया गया है। करीब 200 वाहनों का गलत पार्किंग में चालान हुआ था। इसके अलावा बहुत से वाहन खड़े थे सड़कों पर, फोर व्हीलर, उनको टो करके लाया गया था, उन पर चालान की कार्रवाई की गई, और उनको वार्निंग दी गई। दुकानदारों ने बहुत सामान फैला रखा था सड़कों पर जिसे यातायात बाधित हो रहा था, उनको भी वार्निंग दी गई है। अपने सामान को लिमिट में रखें और वाहनों को सड़क पर न खड़ा होने दें जिससे यातायात सुचारू रहे।